जी हाँ दोस्तों, विक्रम वेदा। जी हाँ दोस्तों, सैफ अली खान ऋतिक रोशन स्टारिंग फिल्म विक्रम वेदा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से मैं अपनी वीडियो में कहते आया हूँ कि मुझे बॉलीवुड के फ्यूचर से सिर्फ दो उम्मीद है। एक तो विक्रम वेदा जो फिल्म है वह कमाल मचाएगी, और दूसरी जो फिल्म है वह ब्रह्मास्त्र मचाने वाली है। ब्रह्मास्त्र होने वाली है कल रिलीज, बट विक्रम वेदा का ट्रेलर हो चुका है एक दिन पहले रिलीज, यानी कि आज। और ट्रेलर ने जो देखने के लिए मिला हमें वह था माइंड ब्लोइंग। मतलब गजब का सीन था, मतलब धमाल, धमाका, खून खराबा, तलवारें, गोली, दौड़ भाग, मतलब क्या क्या देखने के लिए मिल गया इस ट्रेलर में। और सच बता रहा हूं, मैं इस ट्रेलर को सिर्फ अगर एक चीज कहना चाहूं तो वो था कमाल। मतलब ऑन द स्पॉट, पॉइंट टू पॉइंट चीजें दिखाई गई। ट्रेलर को इतना प्यारे तरीके से कट किया गया जितना शायद कोई एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता था। मतलब इतना बेहतरीन अब लोगों को लगने लगा है कि इस फिल्म का जो रीमेक बना है, अब ये रीमेक जो आ रहा है हिंदी रीमेक, एक जो तमिल फिल्म का रीमेक आ रहा है, वह जरूर एक कमाल होने वाला है। क्योंकि बॉलीवुड जितने भी रीमेक्स अभी तक बनाते आए हैं उसमें कुछ कोई कमाल या फिर कुछ अलग नजर नहीं आया है। और दोस्तों ये चीज देखी गई है कि इस फिल्म में भी सीन टू सीन कॉपी है, बट आपको काफी जो चीजें हैं वो अलग तरीके से, अलग एटीट्यूड से और अलग एक्शन से नजर आने वाली हैं। और जहां आप देखेंगे एक इंटेंस लुक, एक थोड़ा अजीब सा लुक है ऋतिक रोशन का इसमें, और उसके बाद सैफ अली खान जो बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम क्रूर टाइप का लुक उनका दिख रहा है, वह एकदम बवाल दिख रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या इसके ट्रेलर का सीन रहा है, किस तरह से इसका ट्रेलर है, और कैसी ये फिल्म हमें देखने के लिए मिलेगी। और अभी यह फिल्म जो मैं आपको बताने वाला हूं यह धमाल मचाने वाली है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो इतना करेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, और उससे आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करके जाना, और कमेंट में जरूर बताना आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो विक्रम के लिए, और किस हीरो को देखने के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो, सैफ अली खान या फिर ऋतिक रोशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो बेटा बहुत गंदा खो रहे हो, कुछ जाके देख लो। बवाल चीज रिलीज हुई है आज, बता रहा हूं तुम्हें, मिल जाएगा यूट्यूब पे, फटाक से जाके सर्च मारो और देख क्या। और फिर अभी तो पहले ये वीडियो तो देख लो, तारीफों पे पुल बांध दिए हैं। मैं बता रहा हूं आपको, देखो ट्रेलर स्टार्ट होता है, मतलब जो बीजीएम है पूरे ट्रेलर में सबसे ज्यादा बेहतरीन कुछ नजर आ रहा है तो वह है इसका बीजीएम। बीजीएम पुराने वाले का भी सेम था, इस वाले का भी सेम है, बट वह कुछ अलग ही लेवल का है। अब देखो बात करते हैं सैफ अली खान और ऋतिक रोशन के बारे में। तो ऋतिक रोशन का लुक चेंज होता नजर आ रहा है हमें, कभी वो कम दाढ़ी में नजर आ रहे हैं, कभी वो दाढ़ी बढ़ा के नजर आ रहे हैं, कभी वो कॉमेडी करते भी नजर आ रहे हैं, कभी वो एक्शन करते भी नजर आ रहे हैं। और जो जो सीक्वल, जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो एक्ट वो कर रहे हैं उस एक्ट में वो 100 में से 200% लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन का लुक हो, डायलॉग्स हो, एटीट्यूड हो, एक्सप्रेशंस हो, सब एकदम बवाल लग रहे हैं। बट अगर हम बात करें जो उनका एक्सेंट है ना इस फिल्म में, वह उतना ज्यादा कमाल नहीं मचाता नजर आ रहा है मुझे, उतना ज्यादा वो प्रभावित नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा और उसमें हो सकता था। बाकी ओवरऑल ऋतिक रोशन हर एकदम बवाल लग रहे हैं। पूरी फिल्म में हमें काफी मजा आने वाला है ऋतिक रोशन को देखते हुए। बात करते हैं सैफ अली खान की। देखो सैफ अली खान भी अपने इंटेंस लुक में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नजर आए, इनफैक्ट हर फ्रेम में वह बहुत ही ज्यादा परफेक्ट नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत वाला सीन हो जो उनकी बीवी के साथ था, और या फिर अगर मैं बात करूं जो भी उनके साथ ऋतिक रोशन के साथ जितने भी उनके प्रेजेंस है, वो काफी ज्यादा क्लियर और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट नजर आ रहे हैं। बात करते हैं, लोग सोचते थे विजय सेतुपति का जो वेदा का रोल था वह शायद यहाँ पे कम उतना मचा ना पाए ऋतिक रोशन, बट ऋतिक रोशन कहीं पर भी उनसे कम नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट विक्रम और वेदा, मतलब आर माधवन, और अगर हम बात करें विजय सेतुपति की, तो सैफ अली खान और ऋतिक रोशन दोनों ही अपने जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा फिट बैठ रहे हैं। और अगर मैं बता दूं आपको, देखो इस ट्रेलर में, पूरे ट्रेलर में आपकी जो आंखें हैं वह गड़ी रहेगी। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसा एक लुक नहीं था, वो एक सीन को छोड़ दे जिसमें वो तलवार से पूरा का पूरा इंसान बीच से काट देते हैं ऋतिक रोशन, वो सीन को हटा दो, और कुछ कुछ सीन जो हैं इस फिल्म में ट्रेलर में कमाल के यार। पूरी फिल्म जब रिलीज होगी ना तो आप सोचो क्या होगा, तो लोग सबसे ज्यादा थिएटर में देखने में मजा आएगा। और मैं तो बोलता हूं आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस फिल्म का देखना चाहिए। आप देखो ट्रेलर मेरे हिसाब से तो पूरा बवाल है। अब आपको कैसा लगा ट्रेलर वीडियो में कमेंट में जरूर मेंशन करिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।